One of India's greatest para athlete, javelin ace Devendra Jhanjharia has become the first Paralympian to be awarded the Padma Bhushan. Accepting the honor, Jhanjharia thanked PM Narendra Modi on behalf of para sports fraternity for a new beginning and new opportunity. Let us hear what the three-time Paralympic medalist has to share on his achievement in an exclusive interview with Prasar Bharati News Services. बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है, पद्म भूषण अवार्ड मिल रहा है। और ये सबसे बड़ी बात जो ये है कि पैरा स्पोर्ट्स में पहली बार ये अवार्ड मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। और इस शुरुआत के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक नई शुरुआत की है। और मेरी तरफ से नहीं, तमाम जितने भी हमारे दिव्यांगजन देश के, उनकी तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद व बधाई देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं अवार्ड जब मिलता है आपको, तो अवार्ड के साथ एक देश के प्रति आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। तो मेरी जिम्मेवारी इस देश के प्रति और बढ़ गई है, मैं और मेहनत करूंगा और इस देश के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। Devendra Jhanjharia further explained how this Padma Bhushan award will bring a change at grassroots levels. Young athletes will get inspired by this and will aim for the same. जैसे पद्म भूषण का अनाउंसमेंट हुआ, उस टाइम से काफी पैरा खिलाड़ियों को मेरे पास फोन आ रहे थे कि देखो भारत सरकार ने एक नई शुरुआत की है, कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ग्रास रूट के बच्चे हैं, जो मेरी स्टोरी पढ़ते हैं कि मैंने ग्रास रूट पे कैसे मेहनत की, उन बच्चों में एक हौसला आया है कि हम भी वहां तक जा सकते हैं, 3 मेडल ले सकते हैं ओलंपिक में। और कहीं ना कहीं जो 2024 पेरिस पैरालंपिक्स है, उसमें इस अवार्ड से उसको बहुत पुश मिलेगा, वहां पे हम और ज्यादा मेडल जीतेंगे। From explaining to people about the para sports in 2004 and now in 2022, where the whole nation honors para athletes, the paradigm shift has been possible due to the vision of PM Modi for the para athletes. 2004 के अंदर मैं किसी को बताता था कि मैं पैरालंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो लोग कहते थे क्या होता है पैरालंपिक, तो बताना पड़ता था ऐसे ऐसे दिव्यांगजनों के खेल होते हैं जैसे ओलंपिक होते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन में जो उन्होंने एक मिशन लिया पैरा स्पोर्ट्स को और मिशन के तौर पर आगे बढ़े, वही ये रिजल्ट था टोक्यो पैरालंपिक्स का कि हमने 19 मेडल जीते, बहुत बड़ी बात है। 24 स्थान पे रहे हम, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो ग्रास रूट तक जो स्पोर्ट्स को पहुंचा है, एक मैसेज दिया है, जैसे ओलंपिक पैरालंपिक जाने से पहले खिलाड़ियों से पीएम ने बात की, उसके बाद वहां मेडल जीतने भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, और जो वापसी हुई तो एक बहुत बड़ा वेलकम हुआ था प्रधानमंत्री जी की तरफ से। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्पोर्ट्स बदलता हुआ, भारत में बदलता हुआ स्पोर्ट्स है। अब हर कोई जानता है कि पैरालंपिक्स क्या है, ओलंपिक्स क्या है, खिलाड़ी क्या है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Devendra has dedicated over 20 years to his para sports and the journey was full of ups and downs. But the moment that changed his entire life and career was the gold in 2016 Paralympic Games. जो बड़ा मोमेंट है वो 2016 जो रियो पैरालंपिक्स थे, उसमें हमने 2 गोल्ड मेडल जीते और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ फिर से गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद जैसे भारत सरकार ने मुझे खेल रत्न दिया गया, पहली बार किसी पैरा एथलीट को खेल रत्न मिला, आज जैसे पद्म भूषण मिल रहा है, और इससे कहीं ना कहीं टोक्यो पैरालंपिक थे, टोक्यो पैरालंपिक एक बहुत बड़ी मोमेंट थी, उसमें सिल्वर मेडल जीता। 20 साल हो गए देश के लिए खेलते हुए, तो 20 साल का ये फल भारत सरकार ने मुझे दिया है और बड़ा मान सम्मान दिया इस सरकार ने मुझे। मैं हमेशा आभारी रहूंगा, हमेशा देश हित में मैं काम करता रहूंगा, चाहे मेरा मिशन है वो कभी बंद नहीं होगा देश के लिए। और मैं मानता हूँ पैरा स्पोर्ट्स में एक बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी, 20 साल इस पैरा स्पोर्ट्स को दिए है मैंने। नीरज चोपड़ा एंड सुमित अंटिल आर ऑल्सो नेम्ड फॉर द पद्मश्री अवार्ड 2022. Along with Devendra, the trio has put Indian javelin on the world platform in a nation where sports like javelin are known to less. Jhanjharia shared that the javelin in India will flourish with time and new talent will rise from grassroots levels. बिल्कुल, टोक्यो में देखा जाए नीरज ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। हमारे सुमित ने बड़ी लाजवाब परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल। जेवलिन में हमने टोटली पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स को मिला के 4 मेडल जीते थे, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। एक मोमेंट आया, मुझे सबसे बड़ा मोमेंट ये लगा कि एक
3 साल का बच्चा, उसका वीडियो देखा मैंने सोशल मीडिया पे, तो वो लकड़ी फेंक रहा है बाले की तरह कि मैं बाला फेंकूंगा। तो ये अपने आप में बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है स्पोर्ट्स में, कि आने वाला जो टाइम है वो स्पोर्ट्स में विशेष तौर जेवलिन में ये टाइम भारत का होगा, भारत स्पोर्ट्स का जेवलिन का हब बनेगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। द टॉप स्कीम हैज रीशेप्ड द इंडियन स्पोर्टिंग इकोसिस्टम एंड इट्स इंपैक्ट हैज चेंज्ड लाइव्स ऑफ मेनी। The ace javelin para athlete shared how the TOPS has supported the athletes in achieving medals at international events. कोई स्कीम आती है और स्कीम हमेशा कागजों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन TOPS स्कीम एक ऐसी थी जो कागजों में भी अच्छी लगी और ग्रास रूट में भी अच्छी लगी, क्योंकि ग्रास रूट पे उसका इम्प्लीमेंट हुआ। TOPS स्कीम का ये था कि इतनी सुविधाएं दी सरकार ने TOPS स्कीम के तहत, जैसे हमारे खिलाड़ी चाहे तो इंडिया में ट्रेनिंग करें, यदि खिलाड़ी को ऐसा लगे कि मेरी परफॉर्मेंस बाहर जाने से अच्छी आएगी तो उसका पूरा पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती थी। और इससे भी आगे कहीं ना कहीं, जैसे आपका पसंद का कोच चाहिए, आपको फॉरेनर कोच चाहिए, इंडियन कोच चाहिए, वो अवेलेबल था, आपको फिटनेस ट्रेनर की जरूरत है वो अवेलेबल था, आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है वो अवेलेबल है, तो आपको कहाँ ट्रेनिंग करनी है वो आपके मनसा बताइएगा, वहीं भेजेगा। और सबसे बड़ी बात थी कि हम कोई भी मैसेज डालते थे 24 घंटे के अंदर अंदर वो सुविधाएं हमें अवेलेबल हो जाती थी। सबसे बड़ी बात ये थी, यही था कि हमने ओलंपिक और पैरालंपिक में उस टॉप स्कीम की बदौलत हमने मेडल जीते। इन द एंड झांझरिया शेयर्ड अ मैसेज फॉर द यंग एथलीट्स एंड इंडिविजुअल दैट व्हाटएवर यू डू इन नेशंस ड्यूटी डू इट विद फुल कॉन्फिडेंस एंड रेस्ट विल फॉलो योर पाथ। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा जो यंग एथलीट हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, ओलंपिक या इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेना चाहते हैं, तो अपने आप पे विश्वास करें कि मैं कर सकता हूँ ये काम। अपने आप पे विश्वास करना जरूरी है, उसके साथ फिर आगे बढ़ें, मेहनत करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और डिसिप्लिन में रह करके जो भी राष्ट्र हित में जो भी काम हो, चाहे वो खेल हो या अन्य क्षेत्र हो, उसमें काम करें आप, बिल्कुल एक दिन आप जरूर सफल होंगे। Stay tuned to PBNS for more such exclusive content.